कोरोना वायरस के चलते भारत में किए गए लॉकडाउन में अभी तक काफी कुछ देखने को मिला है। मेनस्ट्रीम मीडिया की भूमिका इसमें अधिक है। लोग इस लॉकडाउन में घर बैठे हैं और मेनस्ट्रीम मीडिया पर देश और दुनिया की खबर देखते हैं। मीडिया ने अभी तक सरकार के किसी फैसले की आलोचना नहीं की है। मीडिया सरकार के हर फैसले को एक इवेंट की तरह पेश करता रहा है। Look at these iconic scenes here, Pranesh and I are completely stunned. All around me, you can see the sirens. You can see each one of these cars, their lights flashing away. You can see that all these cars flashing. Let's speak to some of our great policemen who are out there. ये आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हाँ जी। 5 बजे आपने सायरन चलाए हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? ये क्यों कर रहे हैं आप? ये सायरन बोल रहे थे आप सायरन 5 बजे वोटर बना सब They have been completely in isolation, and there you can see even the gentleman on a scooter clapping his horn, clapping his hands together, and they've turned on all their headlights. These are just dramatic scenes. क्या सच में भारत इस वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है? क्या लॉकडाउन से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? क्या सरकार द्वारा दिए राहत पैकेज जरूरतमंदों के पास पहुंच रहे हैं? इस पर बात करने की बजाय मीडिया में क्या चलता रहा, ये हम आपको दिखाते हैं। पारी है अंताक्षरी की, जिसके लिए अंजना ओम कश्यप मेरे साथ जुड़ गई हैं इस समय। अंजना, बचपन में जो खेलते थे वो याद तो होगा आपको, तो इस बार मैं शुरू कर रही हूं, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेकर आज तक का नाम आप परंत हुआ म, तो म से मुझे गाना गाना है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मुझे लगता है कि उखड़ा उखड़ा ही रहना अभी ठीक है। श्वेता, आज हमारे बीच वो शख्स है जिन्हें वैसे तो किसी परिचय की जरूरत नहीं है। हमारे बीच है जाने माने फिल्म अदाकार, मुखर वक्ता अनुपम खेर। आज हमारे बीच है जाने माने कवि, मुखर वक्ता कुमार विश्वास। वो राष्ट्रभक्ति की मुखर आवाज है अनुपम खेर। राष्ट्रवादी भी हैं, देशभक्त भी हैं। तो अनुपम खेर, एक बार फिर आपका स्वागत है। 35 साल, 515 फिल्में, प्ले, हॉलीवुड में काम, अमेरिकन टीवी शो, इस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। अनुपम खेर किस चक्की का आटा खाते हैं? सवाल जानना चाहता हूँ कि आप किस चक्के का आटा खाते हो कि आपकी उम्र बढ़ती नहीं है। अब बताइए अब कुमार भाई। लेकिन इसी बीच हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी शर्मनाक हरकतों से इस लड़ाई को कमजोर बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक महिला खुद को माँ दुर्गा का अवतार बताकर कोरोना को दूर भगाने का दावा करने लगी और उसने भीड़ जुटा ली। उधर उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर में 2 मस्जिदों के मौलवी रोक के बावजूद बड़ी संख्या में भीड़ जुटाकर सामूहिक नमाज पढ़ाने लगे। कोरोना के खात्मे के लिए क्या आपको लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए? लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती वो है जो 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है, जिसमें लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और उनके लिए जो रामायण शुरू करने की बात की गई है वो भी बेहद खूबसूरत, और लोगों ने बहुत उसके लिए थैंक्स बोला है, धन्यवाद बोला है। ये जो क्वालिटी समय में इजाफा करेंगे। देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो लॉकडाउन में घर घर बिग बॉस। ऐसा नाम क्यों? ऐसा नाम इसलिए, सफाई करनी है, लड़ाई करनी है, प्यार करना है, वो बस उस घर के अंदर होता है। और हमारे देश में भी इस वक्त क्या हो रहा है, बिल्कुल वही। इसीलिए हम आज अपने इस खास शो में बिग बॉस के कुछ खास, हर सीजन से कुछ खास प्रतियोगियों को चुनकर लाए हैं, तो अपनी यादें बांटेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे। इसके दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में पैदल चल रहे मजदूरों का मुद्दा उठाया था, जो भारत बंद होने के बाद सड़कों पर पैदल घर की ओर चल दिए थे। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे मजदूर लॉकडाउन के बाद पैदल चलते हुए अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने, कई स्वयंसेवी संगठनों ने लोगों के भोजन का इंतजाम किया है। बहुत सारे लोग आगे आना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। दिल्ली में भी इंतजाम हुआ है, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की सामाजिक दूरी की व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार का कोई नुमाइंदा देख रहा है तो प्लीज़ लोगों के भोजन का इंतजाम भी करे और सामाजिक दूरी की व्यवस्था भी करे। हाल ही में जब निजामुद्दीन का मुद्दा सुर्खियों में आया,
तब भी मीडिया ने इसे हिंदू मुसलमान का रुख दे दिया। पूरा भारत घर में बैठा है ताकि किसी एक से दूसरे में कोरोना का वायरस ना फैले। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। इस्लाम पर जानकारी देने के नाम पर दिल्ली के निजामुद्दीन में सैकड़ों की भीड़ जुट गई। आखिर ये कैसी जानलेवा लापरवाही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। देश में अब तक कोरोना नहीं फैला था, मरकज वहां पे भी जहां कोरोना नहीं फैला था वहां पे भी ये मरकज महामारी लेकर गई। 386 नए मरीजों में 220 मरकज में शामिल लोग हैं। मैं बताऊं मरकज ने क्या किया? मरकज ने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बीमार करने की साजिश की। वहीं दूसरी ओर रवीश कुमार ने भारत में वेंटिलेटरों की कमी के बारे में अपने प्राइम टाइम शो में बात की। पूरी दुनिया में वेंटिलेटर की बात हो रही है क्योंकि सभी को मालूम है कि वेंटिलेटर की कमी खतरनाक मोड़ पर ले जा सकती है। भारत भर में जितने वेंटिलेटर हैं उससे 4 से 5 गुना अधिक वेंटिलेटर अमेरिका में है। इसके बाद भी वहां वेंटिलेटर को लेकर हाहाकार मचा है। पिछले साल प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को करीब 8,510 वेंटिलेटर ही बेचे गए भारत में। ज़्यादातर वेंटिलेटर देश के बड़े शहरों में उपलब्ध हैं, छोटे शहरों और कस्बों में नगण्य के बराबर हैं। या न्यूयॉर्क के गवर्नर या मेयर ने एक बात कही थी कि दूसरे विश्व युद्ध में जिस तरह से मिसाइल सबसे ज़रूरी चीज़ थी, इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर सबसे जरूरी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने भी भारत के कुछ जरूरी मुद्दों पर सरकार से सवाल किए। बंगाल से खबर आई है कि डॉक्टर जो हैं बेचारे रेनकोट का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटेक्टिव सूट की जगह, हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं कवर करने के लिए, और मास्क के लिए घर के बनाए मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या एक एक मास्क को धो धो के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सही बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस एम्प्लॉयज जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर इसलिए गए क्योंकि उनको एक तो तनख्वाह नहीं मिली, उनका ये कहना है कि 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और साथ में जो प्रोटेक्टिव गियर वही मास्क दस्ताने उनके पास नहीं है। भारत की तरफ से 90 टन मेडिकल इक्विपमेंट, ये जो गियर्स हैं जितने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए, सर्बिया को भेजे गए हैं। ये कल की खबर आपको मैं बता रहा हूँ। भारत बंद के चलते भारत की जनता मीडिया चैनल्स पर एक्टिव है। ऐसे में मीडिया को लोगों की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, क्योंकि इस समय में मीडिया ही एकमात्र जरिया है सरकार और जनता के बीच में। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।